हेलो दोस्तों, शाम जैसा मेरी एक नई वीडियो में आप देख रहे हैं टेक्निक नाम यूट्यूब चैनल नाम अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो एडिटर की। आपने अगर किसी कोई छोटी मोटी वीडियो एडिट करनी होती है तो मोबाइल पर तो इजीली हो जाती है, लेकिन अगर आप पीसी बनाए तो आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं वीडियो एडिटर के लिए। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्री वीडियो एडिटर कैसे डाउनलोड किया जाए और सबसे इजी वीडियो एडिटर। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक वीडियो एडिटर है आइसक्रीम वीडियो एडिटर, जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा है और सबसे इजी वीडियो एडिटर वही है और सबसे सिंपल है। जो बिगिनर लेवल के लोग हैं वो इजीली उन पर काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर है। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आइसक्रीम वीडियो एडिटर का लिंक दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। आपने 3 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। गेट लिंक न्यू विंडो ओपन होगी, जिसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद ये देखिए, आपके सामने वही पेज खुल जाता है आइसक्रीम वीडियो एडिटर। ये देखें, बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने एक आइसक्रीम वीडियो एडिटर का पेज खुल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, ये आपने सिंपल। अब क्या करना है, इसे डाउनलोड करने के लिए फ्री डाउनलोड फॉर पीसी ये जो लिखा हुआ, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और ये देखिए, ये लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड फॉर पीसी। आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी लोडिंग होगी और आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। दिखा देता हूँ, ये 62 MB का सिर्फ ये वीडियो एडिटर, और ये बिल्कुल फ्री है। कोई इसमें वाटरमार्क भी नहीं है, इजी है, सबसे फ्री है और बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा है। आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही आएगा। आपने इसको ओपन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा वीडियो एडिटर है। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है ये आइसक्रीम वीडियो एडिटर। मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, या तो आप इस ऐड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये जो है ये वाला, या आप यहाँ पर क्लिक कर दें। दोनों से यहाँ पर भी क्लिक करेंगे आपकी फाइल इम्पोर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो ओपन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वीडियो इम्पोर्ट होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे भी करना है। इसके साथ अगर कोई वीडियो जोड़नी है उसे भी आप ऐड कर दें, उसे भी आप यहाँ पर ऐड करें। इसे भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ यहाँ पर लें। इसे कोई वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे वीडियो उसके साथ जोड़ लें, कोई बॉटम मार्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। अब आपने अगर इनको जोड़ने के लिए कोई इफेक्ट लगाना है तो ये देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। जोड़ में करना है फैट टू ब्लैक में करना है, फैट टू ब्लैक में, व्हाइट में करना है, स्लाइड में करना है। मैं आपको स्लाइड में करके दिखा देता हूँ। स्लाइड फ्रॉम राइट मैंने ये किया, अब मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। आपने ऐसे ऐड करना है, ऐड के बाद स्लाइड, स्लाइड फ्रॉम राइट, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए हम राइट से स्लाइड। मेरो नहीं है, मेरो नहीं है।
अगर आप इसमें कोई प्लस कंडीशन तो मैं चेकर बोर्ड पर से कर देता हूँ, चेकर बोर्ड से मैं यही आ पाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चेकर बोर्ड सबसे इजी वीडियो के साथ वीडियो में। उसके बाद अगर आपने इस वीडियो ये अब आ जाएंगे इसके जनरल जनरल को क्लिक करें, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस तेज ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट भी आप कर सकते हैं, सैचुरेशन भी कर सकते हैं, यू भी स्पीड भी आप कितनी चाहें इसकी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, कम ज्यादा रोटेट क्लिप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, रिवर्स करना है रिवर्स भी हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को कट करना है तो ये ट्रिम का ऑप्शन, ट्रिम के ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखें आप ये जो साइन है इनकी मदद से वीडियो कट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ पे इसको टेन के ऊपर क्लिक करें तो ये उतनी सी वीडियो आपको पता चलेगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप का, होगा क्रॉप क्रॉप भी आप इसे कर सकते हैं, आप जितना चाहें क्रॉप के ऊपर क्लिक करें फिर जितना चाहें आप इसे क्रॉप कर सकते हैं जूम करके। अगर मैं इसे स्केल टू 50 कर देता हूँ क्रॉप, अगर आपने ये ब्लर बैकग्राउंड नहीं करना तो आप इसे मार्क करते हैं, ब्लर बैकग्राउंड करना है तो मार्क करते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का, टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने ऐसा लिखा, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। उसके बाद यहाँ से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अब ये दरमियान में आ गया, तो ये देखिए मैं दरमियान में आया, मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर चला गया। तो अगर आप यहाँ पर इसे करें टॉप राइट कॉर्नर पर, तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पर चला गया। उसके बाद आप इससे पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इससे साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना आप साइज चाहें। उसके बाद इसकी स्पीड कर सकते हैं इतनी कर रही है। उसके बाद ये स्टाइल आ गए, अब जिस स्टाइल में रख लेंगे चाहे रख सकते हैं, बहुत से स्टाइल है यहाँ पर, अगर किसी स्टाइल में नहीं रखना नो स्टाइल। उसके बाद आगे बात आ जाती है फिल्टर की, जब आपकी वीडियो एडिट मुकम्मल हो जाए कट आउट करके सारे उसके क्रॉप करके जनरल के साथ, तो ये आप देख सकते हैं फिल्टर आप बहुत ही अच्छे रखते हैं, फिल्टर आप लास्ट पे लगे हुए कोई भी फिल्टर आप लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा वीडियो एडिट करा। लोकेशन आ जाएगी यहाँ पर, आपका फॉर्मेट है फॉर्मेट में। उसके बाद ये यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन 4K तक है, वाह यार 4K तक आप इसमें रेजोल्यूशन ला सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी हाई अल्ट्रा, उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूरेशन आपने फुल प्रोजेक्ट करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, आपका एक्सपोर्ट टाइम शुरू हो गया। मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दें, लिंक आपको एक्सट्रीम मीडिया एडिटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हैं तो ताकि हमारी हर वीडियो आपको पसंद चले।